उज्जैन के जिला लोक अभियोजन के पद पर नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद चौबे और उनके दो साथियों ने आज उनके साथ लोक अभियोजन कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विधिवत कार्यक्रम कर उनके शुभ चिंतकों ने उनका स्वागत भी किया। उज्जैन के जिला लोक अभियोजन के पद पर उज्जैन के वरिष्ठ अभिभाषक प्रमोद चौबे को मध्य प्रदेश सरकार ने पदस्थ किया है। उन्हें प्रदेश सरकार और शासन ने अपने पक्ष को काफी मजबूती के साथ रखने की जिम्मेदारी दी है। जहां प्रमोद चौबे ने जिला लोक अभियोजन के पद पर अपना पदभार ग्रहण किया, वहीं उनके साथ किशोर सिंह भदौरिया ने सह जिला अभियोजन के पद पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान लोक अभियोजन कार्यालय में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। इस दौरान चौबे के समर्थकों ने उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया। वहीं उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदारी उन्हें प्रदेश सरकार ने दी है, उस पर वो मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, बाबा महाकाल की कृपा से और हमारी मध्य प्रदेश शासन के हमारी जो कांग्रेस सरकार है, उसने मुझे और मेरे साथियों को दायित्व सौंपा है और नवीन दायित्व के अनुसार लोक अभियोजक के पद पर मेरी और सहायक लोक अभियोजक के पद पर मेरे दोनों साथियों की नियुक्ति की है। जिस तरह शासन की मंशा है कि शासन का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए और शासन के हित में जितना आप भरसक प्रयास कर सकें वो आपको ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, और मैं भी ये प्रयास करूंगा, मेरे साथियों से भी अपेक्षा करूंगा कि वे जिस दायित्व को जिस अपेक्षा अनुसार हमारे को शासन ने सौंपा है, उसका हम बड़ी मेहनत से, ताकत से और अच्छा अध्ययन करके अपना दायित्व निभाएं और अपना पक्ष प्रस्तुत करें।